साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गद्य पद्य शिक्षण जो है इससे संबंधित 15 नंबर का पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी कर रहे थे। और प्रतिदिन लगभग आप लोगों को वीडियो मिल रहे होंगे संस्कृत के भी और हिंदी के भी गद्य के, केवल गद्य का अभ्यास करना है आपको। लगभग इसी प्रकार से 100 वीडियोस रहेंगे गद्य के, तो आप लोग का अभ्यास जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार के गद्य पद्य पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटेशन होता है। इस परीक्षा मोटाकर रख दिया जाता है, और अधिकतर संस्कृत में तो यही होता है, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है छोटे छोटे गद्यों को लगा करके, और अच्छे अच्छे मतलब ये कहें कि हार्ड गद्यों तक अपन पहुँचेंगे। स्टार्टिंग का लेवल है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है। चलते हैं, और आप लोग एक चीज़ और करें कि गद्य पद्य के लिए आप बुक्स भी लें, क्योंकि मैंने भी लगभग 100-200 गद्य तो लगाए होंगे, और सभी लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि गद्य ना लगाएं, क्योंकि गद्य लगाने से एक तो अभ्यास बढ़ता है गद्य लगाने का, कि कितने समय में हम कितना हल कर पा रहे हैं, ये एक ये कहें क्षमता आती है, तो गद्य लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलते हैं, ये हमारे सामने गद्य दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, इतना है गद्य, इससे संबंधित 10-12 प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हमें हल करना है। चलिए जूम आउट कर देता हूँ। चलें, नशा हमारे देश की प्रमुख समस्या बन चुकी है, इसके कारण प्रतिदिन अनेक घर बर्बाद हो रहे हैं, नशा करने वालों का जीवन अल्प होता है। एक एक शब्द देखें, नशा हमारे देश की समस्या बन चुकी है, एक एक शब्द को, और क्या क्या होता है नशे से, इसके कारण प्रतिदिन अनेकों घर बर्बाद हो रहे हैं, अनेक घर बर्बाद हो रहे हैं, नशा करने वालों का जीवन अल्प होता है। राजा महाराजा और श्रोता वर्ग सृष्टि के आरंभ से राजकीय पेय के नाते सुरा का उपयोग किया करते थे, यही राजकीय पेय जनता के बीच पहुंचा। भारतीय गरीब और मध्यम वर्गीय जनता ने जीवन की निराशा और गम को कम करने के लिए सुख को अपनाया, वह नशे की मस्ती में अपने को सुखी अनुभव करने लगे, और धीरे धीरे सुरापान एक व्यसन बन गया। परिणामतः सुरापान को भयंकर सामाजिक बुराई तथा जीवन के लिए अभिशाप माना जाने लगा। आगे, शराबी को शराब पीने के लिए ऋण लेने या नारी के आभूषण को बेच देने में कोई बुराई नजर नहीं आती, अच्छा शराब अच्छी शराब ना जुटा पाने पर वह घटिया शराब पीकर यमलोक पहुंच जाता है। तो टोटल अपना इतना गद्य है, जहां पर शराब के बारे में बताया गया है, नशा के बारे में बताया गया है। अब इससे संबंधित ऊपर प्रश्न रहेंगे। गद्य बिल्कुल आसान है, और पहले स्टार्टिंग में इन आसान गद्यों को हल करेंगे, और इसके बाद में जो हार्ड गद्य हैं, जो निबंधों से संबंधित गद्य पूछे जाते हैं, चूँकि निबंधों से संबंधित जो गद्य हैं वो वर्ग 2 का लेवल है, वर्ग 1 का लेवल है, तो आपके में जो रहेंगे बिल्कुल सामान्य रहेंगे, जैसे कि पर्यावरण हुआ, महात्मा गांधी जी हुए, तो इनके बारे में आपके में गद्य हो सकता है, किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में थोड़ा सा 15-20 लाइनें दे देंगे। और फिर चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, इस गद्य में किस समस्या को उठाया गया है। फास्ट, आपको कहीं भी अपना मन नहीं लगाना है, गद्य पढ़ने के बाद में प्रश्नों पर ध्यान देना है, और ऊपर जो आपका गद्य चल रहा है उस गद्य को देखना है। तो इस गद्य में किस समस्या को उठाया गया है, चोरी को उठाया गया है, नहीं उठाया है, घूसखोरी को नहीं उठाया, नशा, हाँ नशा सही उत्तर है हमारा, हत्या को भी नहीं उठाया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, नशा को उठाया है, नशा की समस्या जो है उस समस्या को इस गद्य में उठाया गया है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, गरीबों ने सुरा को क्यों अपनाया। पंक्ति में अपन ने पढ़ा था गरीबों ने सुरा को क्यों अपनाया, यहाँ पर अपन देख लें गरीबों ने सुरा को क्यों अपनाया, तो अपनाया शब्द कहाँ पर है, ये रहा अपनाया शब्द, यहाँ दिखाइए, तो जीवन की निराशा और गम को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, गम को कम करने के लिए नशे को अपनाया, और उसकी मस्ती में वो खो जाते थे, तो फिर ये एक व्यसन बन गया। अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न ये रहा, यहाँ पर गम को कम करने के लिए पहले ही नंबर पर है, दूसरे ऑप्शन में दिया है मारपीट के लिए, तो बिल्कुल से तो गलत ही है, क्योंकि पहला नंबर अपन को सही पहले ही मिल चुका है, भीख मांगने के लिए भी नहीं और दिखावे के लिए भी नहीं, तो पहला ही उत्तर है ये सही इस प्रकार से। आगे चलते हैं, नशा करने वालों का जीवन कैसा होता है। देखिए ध्यान से, आपने जो पढ़ा होगा वहां पर वही आपको लगाना है, अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, सुखी होता है क्या, दुखी होता है क्या,
अल्प होता है क्या या फिर आरामदायक होता है। तो नशा करने वाले जो होते हैं, नशा करने वालों के जीवन के बारे में आपको बताना है कि उनका जीवन कैसा होता है। आपने गद्य में देखा होगा, तुरंत गद्य पर आना है अपन को कि नशा करने वाले जो होते हैं, नशा करने वालों का जीवन कैसा होता है। तो देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। वह सुखी अनुभव करने लगता है, धीरे धीरे सुरा का सुरा एक व्यसन बन गया और बुराई नज़र आती है। और अपन का जो प्रश्न था वो क्या था, एक बार और देख लें, नशा करने वालों का जीवन कैसा होता है। देखिए सुखी होता है, सुखी तो होता नहीं है, दुखी हो सकता है, अल्प भी ठीक है, आरामदायक नहीं होता है। तो दुखी और अल्प में से एक देखना है, दुखी और अल्प में से एक देखना है। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या? देखें दूसरे नंबर की एक पंक्ति है, नशा करने वालों का जीवन अल्प होता है। बिल्कुल ये रहा करेक्ट आंसर। जो है जो नशा करते हैं व्यक्ति, नशा करने वालों का जीवन जो होता है वो कैसा होता है, अल्प होता है। तो ये यहाँ पर अपन को एक सटीक उत्तर मिल गया। और जो अपना तीन नंबर पेज पर जो प्रश्न था उसका अल्प उत्तर रहेगा ये वाला, ये रहेगा अपना सटीक उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। एक शब्द था उसमें गद्य में प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तत्पुरुष समास प्रतिदिन में नहीं है। फिर कौन सा समास है, अव्ययी भाव है क्या? हाँ अव्ययी भाव हो सकता है। आगे बहुव्रीही समास है नहीं और द्वंद्व समास भी नहीं, क्योंकि दो चीज़ें नहीं हैं। आगे जो सही है वो यही है, अव्ययी भाव समास होता है प्रतिदिन में। बिल्कुल आसान प्रश्न मिलेंगे अभी आपको, प्रस्तुत गद्य का शीर्षक क्या है, किस चीज़ की बात वहाँ पर की गई है प्रस्तुत गद्य में, ये आप लोगों को बताना है। देखिए देश के बारे में क्या चर्चा की गई है, तो देश के बारे में भी है थोड़ी सी चर्चा, लेकिन हाँ और आगे चलते हैं, बेरोजगारी के बारे में चर्चा की गई है, तो बेरोजगारी के बारे में तो ज़्यादा कोई मुद्दा अपन को मिला नहीं। देखिए मद्यपान, हाँ मद्यपान के बारे में मिला था, लेकिन एक और दिया शराब से मुक्ति, तो इन दोनों में से एक हमारा शीर्षक हो सकता है, मदिरापान या फिर शराब से मुक्ति। तो दोनों चीज़ें एक जैसी लग रही है, तो दोनों में से एक टिक करना है। तो शराब से मुक्ति जो है ये अपन सटीक मान सकते हैं, चूँकि मदिरापान भी इसका शीर्षक हो सकता है, लेकिन जो सही की ओर ले जाए उसको शीर्षक मानना है। तो सही की ओर जो ले जाए वो शराब से मुक्ति ले जाती है, तो जो अंतिम है, अंतिम वाला हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। और आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। और एक चीज़ और अपन देख सकते हैं, एक मिनट, अभी एक और प्रश्न है, अभी कहाँ लास्ट है, एक और प्रश्न है इसके नीचे अंतिम में, एक और पेज रह गया है। ये था अभी प्रस्तुत गद्य का शीर्षक था। आगे यमलोक का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को, लास्ट प्रश्न रह गया है, एक और अंतिम प्रश्न है ये, ध्यान से। यमलोक जो है, यमलोक का एक और पर्यायवाची क्या हो सकता है, समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, क्या समान हो सकता है? मध्यलोक, मध्यलोक बोलेंगे नहीं इसको, मध्यलोक तो बीच का लोक होता है, मध्यलोक नहीं है। आगे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक यमलोक तो नहीं है, ब्रह्मलोक ये भी गलत है। मृत्युलोक, हाँ मृत्युलोक बोल सकते हैं यमलोक को, क्योंकि मृत्यु के जो देवता यमराज कहे जाते हैं, यमराज कहाँ पर निवास करते हैं, मृत्युलोक में निवास करते हैं, और मृत्युलोक में निवास करने के कारण से उसे यमलोक भी और मृत्युलोक दोनों इसके नाम हैं, तो ये सही उत्तर रहेगा हमारा। और चंद्रलोक तो है नहीं, चंद्र देवता जहाँ पर निवास करते हैं वो चंद्रलोक कहलाता है, तो ये भी नहीं है, तो सटीक उत्तर हमारा ये रहेगा। और देखिए गद्य पद्य में हमेशा यही होता है कि गद्य में जो प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हमें देखना पड़ता है, उसी को जो गद्य में होता है उसी से संबंधित प्रश्नों को देखना पड़ता है। एक बिल्कुल से आसान गद्य था, और हाँ अब आपको जो ये गद्य दिख रहा है इस गद्य में कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द से लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि वो लोग पूछ लेते थे कि निराशा का उल्टा क्या है आशा, गम का उल्टा क्या है विलोम शब्द, तो गम का खुशी हो जाता। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जो यहाँ पर दिए हुए हैं उन शब्दों को देख लेना है कि हाँ इससे इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। मैंने देखा था कि जो CTET का पेपर था, CTET में जो गद्य पूछा गया था वो गद्य अन्य परीक्षाओं में भी रिपीट हुआ। एक बार CTET का और शायद जो केंद्र की परीक्षा का होता है पेपर, तो केंद्रीय उसमें भी आया था, CTET का जो नॉर्मल वाला पेपर है वो, उसमें गद्य था
और इसके बाद में उसका जो दूसरा सेकंड टेस्ट होता है तो उसमें भी वो था, एक DSSB में भी फंसा था। तो इस प्रकार के गद्य पद्य पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसी प्रकार से तैयारी करना है, छोटे से छोटे गद्यों को लगाना स्टार्ट करना है, तो आप में एक इंटरेस्ट बढ़ेगा और इसी प्रकार से धीरे धीरे लगाते लगाते और बड़े गद्यों तक आप पहुँचेंगे तो बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। और मेरी कोशिश यही है कि एक गद्य हिंदी का और एक गद्य संस्कृत का प्रतिदिन आपको दूं, तो आप बहुत अच्छा अभ्यास कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे गद्य के साथ, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलूँगा। और आप लोग भी प्रतिदिन ये गद्य लगाएं, एक भी वीडियो मिस ना करें। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लगभग 15 मिनट का टाइम लूँगा एक गद्य या पद्य को हल करने में। तो गद्य यदि हिंदी का है तो 15 मिनट, और यदि संस्कृत का गद्य है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अर्थ निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के ही जैसा था, कोई वैसा नहीं था, लेकिन हाँ यह कि मेरा सिलेक्शन वर्ग एक में हुआ है, अभी फ़िलहाल मैं संस्कृत से ही हूँ मैं, तो संस्कृत के गद्य भी लाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।